हेलो डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास फिफ्थ बच्चों आशा करती हूँ कि आप लोग स्वस्थ और सकुशल होंगे तो बच्चों आज हम हिंदी फर्स्ट में पाठ एक अरमान नामक कविता का अध्ययन करेंगे जिसके लेखक हैं राम नरेश त्रिपाठी बच्चों तो सब कविता शुरू करने से पहले इस पाठ के बारे में हम जान लेते हैं इस पाठ में बच्चों कवि ने उन अमर लोगों के बारे में बताया है जिन्होंने देश की सेवा के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया तो चलिए बच्चों अब हम इस कविता को प्रारंभ करते हैं है शौक़ यही अरमान यही बच्चों शौक का अर्थ, अर्थ होता है इच्छा हम कुछ करके दिखलाएंगे मरने वाली दुनिया में हम अमरों में नाम लिखाएंगे बच्चों कभी इस पंक्ति के माध्यम से कहना चाहते हैं कि हमारा शौक भी और हमारा अरमान या अर्थात इच्छा भी यही है कि हम इस नस्वर संसार में अर्थात इस संसार में बच्चों जो भी आता है वह जीवित नहीं रहता अर्थात उसे एक न एक दिन जाना रहता है परंतु इस नस्वर संसार में से जाने से पहले हमें कुछ ऐसा काम करना चाहिए कि यह संसार हमें याद रखें अर्थात मरु, में नाम लिखाएंगे अर्थात हमें कुछ संसार में आए हैं तो कुछ ऐसा काम करें कि यह संसार वाले हमें याद रखें जो लोग गरीब निराश्रित हैं जिन पर ना किसी की छाया है हम उनको गले लगाएंगे हम उनको सुखी बनाएंगे पंक्ति कभी इन पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि जो लोग गरीब हैं और जो लोग निराश्रित हैं निराश्रित अर्थात बच्चों बिना सहारे के अर्थात एक शब्द में हम बोले तो अनाथ हैं जिन पर न किसी की छाया है जिनका कोई भी सहारा नहीं है और ना ही उन्हें उनकी कोई देखभाल करने वाला है हम उनको गले लगाएंगे हम यहाँ गले लगाने से अर्थात बच्चों सम्मान देने से है कि हम ऐसे व्यक्तियों को सम्मान देकर और उन्हें अपने बराबर इस संसार में दर्जा अर्थात स्थान देंगे और हम उनको सुखी बनाएंगे अर्थात उन्हें हम इस संसार में उपयोग की जाने वाली सभी सुख सुविधाएं देंगे और उनका जीवन हम सुखी बनाएंगे जो लोग अंधेरे घर में हैं अपनी ही नहीं नज़र में हैं हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे। जो लोग अंधेरे घर में हैं, यहाँ बच्चों घर का अर्थात एक मकान से नहीं है यहाँ अंधेरे घर से अर्थ है अज्ञानता अर्थात जो लोग इस संसार में अज्ञानी हैं अपनी ही नहीं नज़र में हैं और जिनकी पहचान इस समाज में कुछ भी नहीं है हम उनके कोने कोने में उद्यम का दीप जलाएंगे तो ऐसे व्यक्तियों के मन में हम परिश्रम करने की इच्छा जलाएंगे और उन्हें हम प्रेरित करेंगे कि आप परिश्रम करें और समाज में अपना एक स्थान बनाएं जो लोग हार कर बैठे हैं उम्मीद मार कर बैठे हैं हम उनके बुझे दिमागों में फिर से उत्साह जगाएंगे इस पक्ति के माध्यम से कभी कहते हैं कि जो लोग हार कर बैठे हैं बच्चों कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं कि जो कार्य प्रारंभ कर देते हैं लेकिन हमें सफलता ना मिलने की वजह से वो जैसे हम हमें हमने कुछ कार्य प्रारंभ किया लेकिन हमें सफलता नहीं मिली तो हम उम्मीद मारकर यानी उम्मीद छोड़ देते हैं कि यह कार्य कभी भी सफल नहीं हो पाएगा तो कभी कहते हैं कि ऐसे ही व्यक्ति जिन्होंने अपनी उम्मीद छोड़ दिया है कि इस अब कुछ भी कार्य हमसे नहीं होगा ऐसे व्यक्तियों के मन में देखो लिखा है हम उनके बुझे दिमागों में अर्थात हम ऐसे व्यक्तियों के मन में फिर से उत्साह जगाएंगे हम ऐसे व्यक्तियों को उत्साह भरी बातें बताएंगे और उनके मन में उम्मीद जगाएंगे कि आप फिर से कार्य प्रारंभ करें तो आप उसमें सफलता प्राप्त करेंगे रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने हैं हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे बच्चों ये कविता बच्चों तब की है जब सभी लोग देश के आज़ादी के लिए प्रयत्न कर रहे थे तो देखिए तो उस समय कवि ने लिखा है रोको मत आगे बढ़ने दो आज़ादी के दीवाने हैं कि बहुत लोग अपना घर माँ बाप भाई बहनों को छोड़कर देश सेवा के लिए जा रहे थे तो उनको सब लोग रोक रहे थे कि तुम ना जाओ लेकिन उस पर कभी ने कहा है कि ऐसे लोगों को जो लोग आज़ादी के दीवाने होते हैं जो लोग अपनी मातृभूमि की सेवा के लिए जाना चाहते हैं उनको मत रोको उनको जाने दो हम मातृभूमि की सेवा में अपना सर्वस्व लगाएंगे और हम भी उन्हीं वीरों की तरह इस मातृभूमि के सेवा में अपना सर्वस्व लगा देंगे सर्वस्व अर्थात बच्चों अपना तन मन धन जो भी हमारे पास है हम सब कुछ लगा कर इस देश की सेवा करेंगे हम उन वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे हम उनका मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे और इस पक्ति के माध्यम से बच्चों कभी कह रहे हैं कि हम उन वीरों के बच्चे हैं किन कैसे वीरों के बच्चे हैं जो धुन के पक्के सच्चे थे जो अपने इरादों के पक्के थे धुन यानी बच्चों इरादा यानी जो मैंने ठान लिया वो ठान लिया वो काम हम करके रहेंगे तो उन वीरों के अर्थात जिन्होंने अपनी देश की आज़ादी के लिए सोच लिया था कि हम देश को आज़ादी दिलाएंगे तो दिलाएंगे। ऐसे वीरों के हम बच्चे हैं हम उनका मान बढ़ाएंगे हम जग में नाम कमाएंगे। तो हम इस संसार में ऐसा काम करेंगे कि हम उनका भी मान बढ़ाएंगे और इस जग में अपना भी नाम कमाएंगे। अर्थात हम ऐसा काम करेंगे कि यह संसार हमें भी याद रखे तो बच्चों इस पाठ के द्वारा हमने यही जाना कि इस संसार में जितने भी दून दीन हैं दुखी हैं उनके प्रति हमें हमेशा संवेदनशील रहना चाहिए और समय समय पर उन उनकी सहायता भी करते रहना चाहिए ताकि वह इस संसार में अपना एक स्थान पा सके तो चलिए बच्चों अब हम इस पाठ के अभ्यास देखते हैं पहला है बच्चों आपका है प्रश्नोत्तर जो आपको लिखित कार्य में करने होंगे जो आपको भेजा जा चुका है उसके बाद है बच्चों भाषा की बात जिसमें है पहला है कि पंक्तियों को रेखांकित करके मिलाइए अर्थात देखिए यहाँ कविता के कुछ अंश इधर दिए हैं कुछ अंश इधर दिए हैं जिनको आपको मिलाना है उसके बाद है पढ़िए समझिए और लिखिए उसके पश्चात है विलोम शब्द लिखिए और अंत में है कि दो भिन्न अर्थों के प्रयोग करते हुए वाक्य बनाइए तो ये आप सब अभ्यास स्वयंपूर्ण करें इसी के साथ यह पाठ समाप्त होता है